ही नहीं खेकर ना छ छ महीना आगे बढ़त जाता कोई बताएगा कि कौन इसका जिम्मेदार है हेकरा के आई आई नगर पंचायत बना दिया गई दो साल से या नाथ बा नया नया नगर पंचायत में रही थी तो मुखिया जी लोग दो साल पहले ही से पता ना कहाँ विलुप्त बलो उलो रही तो ख्याल रखित लेकर अभी नसीम मुखिया के पास फोन कर रहे हैं कि अगर इतना दिन पहले जो कौन था इसका माई बाप कौन है कि दो साल से मैंने हो गए कि नगर पंचायत में आ गए अनाथ कह दिया गई बा तो आप लोग का सदस्यता कैंसिल हो गई बा का कितना दिन पहले अच्छा ये जो आचार संहिता अभी इलेक्शन से पहले था वहाँ उस दिन तक आप लोग थे है ना अच्छा ऐसे तो इतना बड़का परेशानी बटे के बरा जी एरिया में जियल बहुत मुश्किल हो गए बटे खुद हमारा दो दो गो बच्चे तीन तीन गो बच्चे जो बटे नो ये कचरा के वजह से डेंगू के शिकार हो गए बच्चे अभी तो खैर वीडियो साहब बताएंगे कितने बहुत सारे लोग जो भी है इस पे क्या है हमको नहीं पता है लेकिन हमने सुना था कि वीडियो साहब जैसी भी बुलवाए थे और चाह रहे थे कि जल्दी से कोई नाला वाला ठीक हो जाए बाकी इधर पानी ब्लॉक का पानी निकले लेकिन क्या समस्या आ गया कि फिर नहीं हो पाया। पढ़रिया के बरौली रोड में अभी हमारी टीम आई हुई है ये आप देख सकते हैं पानीपत फर्निशिंग हाउस वहाँ देखिए पानीपत एंड क्रॉकरी फर्निशिंग हाउस यानी दो बातें लिखी गई है एक तो क्रॉकरी और दूसरा फर्निशिंग यानी घर को सजाना है डेकोरेट करना है इसके अलावा क्रॉकरी आइटम यानी किचन में जो सामान यूज होता है जो बर्तन यूज होता है एक एक चीज़ यहाँ अवेलेबल है और सबसे बड़ी बात क्या है कि आने वाले 24 तारीख को दीपावली है धनतेरस है और आपका छठ है छठ के मौके पे स्पेशल ऑफर है दीपावली के मौके पे स्पेशल ऑफर है और आप इसके लिए पटना जाते थे दिल्ली जाते थे लेकिन सबसे बड़ी सीमान के लिए और बढ़रिया के लिए अचीवमेंट ये है कि ये तमाम चीज़ें यहाँ पर। नमस्कार भाई लोग आज हमने के सिवान जिला के वही सिवान जिला के जवन सबसे गंदा बिहार के सबसे गंदा जिला जमुना नाम बा सिवान जिला बा वही सिवान जिला के बरहरिया प्रखंड में हमनी के बानी सन जौन बरहरिया प्रखंड नगर निकाय चुनाव होखे वाला रहल जौन हाईकोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया बा वो आरक्षण के लेके खैर ओपर बात ना करम सन ओपर बात यही मुद्दा पर होई। सीनियर जर्नलिस्ट नदीम भाई है हमारे साथ सिवान के सबसे जो बिहार जिला बिहार है बिहार के सबसे अगर गंदा जिला जिसका नाम है वो सिवान जिला है और वो सिवान जिला का बरहरिया है देख रहे हैं कैसा है इसका कोई माई बाप है क्या कहिएगा इस पर। देखिए बहुत बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया अपनी बात को रखने के लिए कहीं ना कहीं जो सिवान है जी गंदा शहरों के लिस्ट में है जी। और सबसे ऊपर है हाँ हाँ सबसे ऊपर है और ये जो नगर निकाय चुनाव जो मतलब कैंसिल किया गया है आप खुद सोचिए उसका सबसे ज्यादा अगर प्रभाव पड़ेगा तो वो सीमान पर पड़ेगा क्योंकि पहले से ही इतना गंदा था और आप कौन भैया नहीं खेकर छ छ महीना आगे बढ़त जाता कोई बताएगा कि कौन इसका जिम्मेदार है हेकरा के आई आई नगर पंचायत बना दिया गई दो साल से या नाथ बा नया नया नगर पंचायत में रही थी तो मुखिया जी लोग दो साल पहले ही से पता ना कहाँ विलुप्त बलो उलो रही तो ख्याल रखित लेकर अभी नसीम मुखिया के पास फोन कर रहे हैं कि अगर इतना दिन पहले जो कौन था जी। इसका माई बाप कौन है हाँ, पूरा है, मतलब यहाँ के जो लोग हैं नगर पंचायत के नाम पर डेंगू ऐसे डेंगू के हर डॉक्टर अशरफ लगी चल जा है जी डॉक्टर वसीमुल हक के पास चले जाइए ब्लूमबर्ड में उनका क्लिनिक है जी। हर दिन तरह पांच गो पेशेंट डेंगू के मिली जी, फैलो जाता तो फैली का है ना है कोनो माई बाप बा सीमान नगर परिषद है या नगर पंचायत है नगर अब छह महीना बाद चुनाव हो छ महीना में केकरा हवाले बा के माई बाप बा केहू के लोग के दिक्कत हो पंचायत नगर परिषद से रिलेटेड पहले नसीम मुखिया का फोन करे था हमरा के हम फोन करे था या पूछा था नहीं कि आप नहीं है तो कौन इसका माई बाप है माई बाप कौन है जी। अभी हम फोन कर रहे हैं मुखिया जी को मुखिया जी अस्सलाम वालेकुम नदीम बोल रहे हैं अलग अंदाज चैनल से अरे बोलिए भाई आप तो भाई हम लोग रहनुमा है बोलिए ना मुखिया जी बात ये है कि ये जी जन ब्लॉक में ही कचड़ा ही लागल बा मैंने एकरा के झांसा दे दिया दो साल से
माने हो गए कि नगर पंचायत में आ गए अनाथ क दिहल गई बा तो आप लोग का सदस्यता कैंसिल हो गई बा का? कितना दिन पहले अच्छा ये जो आचार संहिता अभी इलेक्शन से पहले था वहाँ उस दिन तक आप लोग थे है ना? अच्छा ना ना करना कुछ नहीं है, माने हम लोग एक लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अब तो ये इलेक्शन इतना दिन टल गई 6 महीना से पहले तो कौनो होके वाला बा ना, तो छह महीना तक माने लोग के समस्या हुई तो कहाँ जाए, यही पर हमने के वीडियो बनावा था। वही से हम सोचे कि पहले आपसे पूछ लें कि मान लीजिए आप लोग का सदस्यता कैंसिल हो गई बा तो माने सही प्रोसेस तो नहीं हमारा जनता के लोग के पता चलो, यही बात है। तो यहाँ जो कचरा नहीं है यहीं पे हम लोग खड़ा होकर वीडियो बना रहे हैं, यही बात है और कुछ नहीं। हाँ जी, ये कचरा पे कभी आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, ये देख रहे हैं कितना बुरा हाल है। हाँ ये तो बात सही है, उसके लिए अपना समझ लिया नगर पंचायत जमीन का समझ लिया की देख करके वहाँ पे डंपिंग करना है कचरे को, ठीक है। लेकिन चौपुरी में वहाँ पे समझ लिया कि जब तक मतलब जहाँ तक हमको मालूम है चुनाव नहीं होगा तब तक समझ जमीन का कोई लिया जाएगा वहीं पे कचरा डंपिंग किया जाएगा, ठीक है ना, रेंट पे लिया जाएगा चाहे खरीदा जाएगा, और जब तक समझ लिया चुनाव नहीं होगा तो चौपुरी में वहीं पे फेंका जा रहा है जहाँ तक हमको ये है। चलिए बस यही बात थी और कोई बात नहीं था, मैंने चुनाव से पहले ही कचरा का समस्या ना निकली है जी बस यही बात था जी। ठीक चलिए ठीक है, फिर हम बात करते हैं। ठीक अब नदीम भैया बताइए। अच्छा ये कह रहे हैं हमको तो पता चला था कि मैंने बहुत दिन पहले से ही सदस्यता कैंसिल हो गई, जब से आचार संहिता लागल बा तब से कैंसिल भइल बा, तो वही हम कह रहे हैं कि 6 महीना 8 महीना 1 साल तक चुनाव ना होई तो हेकर के माई बाप बा नगर पंचायत में एकरा के लाके जानवर है गाय है, देखी गाय है खाता कौन सी पोलोथीन खाता जी, आई देखिए खाली सियासत हो या पॉलिटिक्स होई जी, सच्चाई का भाई देखा है मरिया से ना तरह तरह के बीमारी होई का होई यही पर राजनीति हो या सब का से का हो जाता। हाँ वो पूरा हो जाए माने कि पूरा वोट के मशीन बारी सब भाई जान वोट के मशीन बारी वोट के मशीन ही हो बारी सा पब्लिको बा हाँ क्या करे चाहे उपाय का बा मान ली कि अरे प्रखंड के जो पदाधिकारी हो वाले कुछ बन सकती अरे और कुछ ना तो ब्लीचिंग पाउडर और बात हमने सुना था कि बी डी ओ साहब इसको करवा रहे थे माने इसका हिसाब किताब कुछ पानी वानी लग जा रहा था नाला वाला सब जाम बा जी तो उधर पानी होने लग गया था। हम सुने थे कि मैंने वो जेसीबी बुलवा लिए थे इस तरह का, लेकिन अब क्यों नहीं हो पाया अभी तो खैर वीडियो साहब बताएंगे कितने बहुत सारे लोग जो भी है वो इस पे क्या है हमको नहीं पता है, लेकिन हमने सुना था कि वीडियो साहब जेसीबी बुलवाए थे और चाह रहे थे कि जल्दी से कोई नाला वाला ठीक हो जाए बाकी इधर पानी ब्लॉक का पानी निकले, लेकिन क्या समस्या आ गया कि फिर नहीं हो पाया। तो खैर ये तो बात की बात है, लेकिन सवाल आप समझ सकते हैं हम किस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम लोगों को यही कहना चाहते हैं कि आप लोग का सवाल है आप लोग पूछिए। का कहें जो गंदगी लागल बा ब्लॉक के आगे जो है बरौली और सिवान के जो मुख्य मार्ग बा ऐसे का परेशानी बढ़ गल इनके ऐसे तो इतना बड़का परेशानी बटे के बराई जे एरिया में जियल बहुत मुश्किल हो गई बटे, खुद हमारे दो गो बच्चे तीन गो बच्चे जो बटे नो ये कचरा के वजह से डेंगू के शिकार हो गए भाई सन, जी सामने हॉस्पिटल में एक हफ्ता से एडमिट भाई सन, आ हमने के छोटा मोटा परिवार बटे खाए का माए वाला बटे कह दिक्कत होता वो बहुत ज़्यादा दिक्कत बटे पानी में यहाँ के जे भी मैंने वो प्रशासन के अधिकारी बा लोग बा उकरा से कोनो ई बात तरीका कुछ कहनी है प्रशासन से भी बात हो जहाँ तक मैंने हम डायरेक्टली बात ली तो ना कैले रहनी है
लेकिन यहाँ तक मालूम हो रहा है कि जब कि एक अलावा कोने कचरा फेंके का स्थान नहीं थे, ऐसे जो बटन यहाँ कचरा डाल जाता है, मतलब कि ब्लॉक के आगे फेंक दिया, ब्लॉक के आगे फेंक दिया, मतलब कि बीमार में ढकेल दिया, पानी इतना लागल बटे, पानी में इतना ज्यादा इस्तेमाल लागल बटे कि यहाँ सांस लिहल मुश्किल हो गई, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह का छिड़काव कुछ ना कब न ब्लीचिंग का छिड़काव बा आ नहीं जब डेंगू का छिड़काव बा फॉगिंग वगैरह कुछ कभी कोई ना कोने कुछ ना भी कर भाई। चलिए का चीज का कहे हमरो बता जी का रहत नहीं लोकल बनी का परेशानी हो, ये काहे रहे जोने ठेकेदार रहलन जी, तो ठेकेदार साहब से कहा रहे तो कहते रहे ठेकेदार साहब की बी डी ओ साहब कहले बड़न के यही जगह गिरी, अच्छा यही जगह गिरी, हाँ यही जगह गिरी, तो कई बेर माना कल गई तो कह रहे ना बी डी ओ साहब कहले बड़न के यही जगह गिरी, आम पब्लिक अगर जागरूक हो जाए तो हो सकता है कि समस्या के समाधान हो जाए, तो जागरूक तो हो पाई का खाली चुनाव में जागरूक लोग, हाँ चुनाव में रहे लालू नेता लो आवे लालू जी वोट खातिर के हम हई करा दे भाव करा दे, बहुत कुछ नहीं है, बहुत कुछ नहीं क्या कहे मोलो खातिर जे चुनाव में अभी खूब घूमत है डेली 5 आदमी आवत रहलन उकरा से कहनी है तो क्या कुछ समस्या के समाधान, हाँ जीत जाए तो सब सही हो जाए, मैंने जीतला के बाद देख लीजिए यहाँ पर जो है कि नाला जाम हो गया है शायद इसी से पानी लगता है, हाँ सही, मतलब ये जो आपको जितना सारा आपको कचरा दिख रहा है पूरे बढ़रिया का कचरा यहाँ पर फेंका जाता है, जिसके वजह से जो नाला है वो भी ब्लॉक हो चुका, मतलब हो गया है, इसको वजह से आप देखिएगा जब भी बारिश होता है तो पूरे ब्लॉक पर पानी लग जाता है, मेन जो ब्लॉक आपको दिख रहा होगा के पास तक पानी पूरा उधर पानी ही आपको दिखता है, लेकिन इसमें हमने अभी सुना था कि वीडियो साहब जैसी भी मंगाए थे इसको ठीक करवाने के लिए, लेकिन पॉलिटिक्स है कि क्या है अब ये बात मेरे समझ से बाहर है, वो तो मुझे मौका मिलेगा तो हम वीडियो साहब से भी और भी जो ब्लॉक में अधिकारी है उनसे भी हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमने सुना था कि वीडियो साहब पानी के लिए कुछ उन्होंने कोशिश किया था लेकिन फिर भी वो तो यहाँ के जो पब्लिक जो भी चाचा रहा हुए बोलें कि हमारे घर 3 लड़का सन के डेंगू हो गई जो नगर के ही बगल के अस्पताल बोजी के 5 से भर्ती बन जाए का कहें, वही बात आप खुद सोचिए कहीं ना कहीं कुछ भी अगर होता है सरकार कोई नीति लाए चाहे कुछ भी करे नुकसान आम जनता को ही होता है, आप सोचिए देखिए ये डेट आगे चला गया कैंसिल हो गया अब इसमें किसका नुकसान है, लॉलीपॉप दे दिया गया इसको नगर पंचायत के लिस्ट में ला दिया गया, जो मुखिया थे उनका सदस्यता भी चला गया, अभी 6 की 1 बाद कब चुनाव होगा, 1 तक सोचने वाली बात है इस सारे समस्या के लिए, आप मुखिया जी के पास जाइएगा वार्ड के पास जाइएगा बोलिएगा हम क्या कर सकते हैं, आम लोगों को ये सब थोड़े ना पता रहता है, वो तो बेचारा 6 तक उसको तो उसका भाई सोचिए उसका मुखिया जी से लेटर लिखवाने में 3 लग जाता है, 3 लग जाए अब वो तो है ही नहीं है तो अब तो बताइए कितना दिन लगेगा, तो खुद सोचिए हम इस पर प्रोग्राम भी हम लोग करने वाले हैं जी। जो जो रिस्पॉन्सिबल थे जिनका सदस्यता कैंसिल हो गया है कैंसिल हुआ है कि क्या हुआ है कि कब कैंसिल हुआ है, हम सुन रहे थे कि कई साल पहले ही से खत्म हो गया जब से नगर पंचायत के लिस्ट में आया, अभी मुखिया जी से बात हुआ तो कह रहे थे कि जब आचार संहिता लागू हुआ था तब तक हम लोग का ये था मान्यता था हमको पता था कि इसीलिए हम सवालों नहीं पूछते थे जी, जी, जी। हम प्रोग्राम करेंगे सीमान नगर परिषद है जितने सारे जो वार्ड थे जी, जी। जो वार्ड कमिश्नर चेयरमैन रह चुके हैं उनको हम लोग जोड़ने वाले हैं जी, जी। और उनसे हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे जी। कि आप लोग क्या पहल